करूंगा मेरा चांद तो तुम हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब बढ़िया होंगे मेरे सारे भाई बंधु सब। तो गाइस थोड़ा खुशी का माहौल है। अब खुशी का माहौल मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या सीन है। तो गाइस अपने इंस्टाग्राम पे होने वाले हैं 300K, जिसकी हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, बट ड्यू टू सम ग्लिच। तो कभी कभी शो होता है 299 और कभी कभी शो होता है 295। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 295 मान के चलूं या 299 मान के चलूं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं अपने जिम के लिए, वर्कआउट करने के लिए। ये अपने 2 बजे खड़े हैं यहाँ पे। यस 2 बजे खड़े हैं गाइस, जिम चलते हैं। फिर इसके बाद सीधा आज अपना बैक का वर्कआउट। हमने रेस्ट कराया था जिम का, क्योंकि हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन 2 दिन मनाई गई थी भाई। मैंने दिवाली सुन ली, होली सुन ली, रक्षाबंधन 2 दिन ही कर दी भाई। हाँ जी, राम राम जी सारे ने। और भाई हाँ, राम राम, इससे अब चीज़ मेरे को याद आई। गाइस हमने 75 डेज का चैलेंज लिया है, और अगर आप भी मेरे इस चीज को देखना चाहते हो और चीज में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे तो 80 दिन का हो जाएगा। नहीं, आप अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो ही फिर कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर देखूंगा भाई क्या सीन है क्या नहीं आगे। बट ये मेरी प्रोफाइल साइड में आपको दिख रही होगी, अनिकेत यादव 0001_, इस पे जाके मुझे फॉलो कर लो। मैं मेन पे डालूंगा भाई, मेन पे नहीं, रिचकेट पे डालो ना। ना मेन पे डालूंगा यार, मेन पे भाई वो कंटेंट नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी डालता रहूंगा साथ साथ। जड़ी बूटी और हम कर रहे हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। आज अपना बैक का वर्कआउट, रेडी ब्रो? तू लुगाई की तरह क्यों बैठा आज? बता भाई, मैं चाहता हूँ जो तेरे मन में हो तो वही बातें बोले, कुछ भी बड़ा चला के ना बोले। मेरे मन में तो यार जिम ना करो, निकल। अरे तो मजाक कर रहा है। अरे मेरा फोन तो था, फोन छोड़ो। तो भाई आज अपना बैक का वर्कआउट है। जो जो भाई जिम नहीं गए, जिम जाऊँ, बॉडी बनाऊ। अरे ये फिर शर्माता है ना, छोड़ इसको। अभी हम करते हैं साइकिलिंग और थोड़ी सी कार्डियो भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई अपना सीन ये करते हैं कि वर्कआउट कर लेते हैं बट अपना कोर सिस्टम जो होता है उसे काफ़ी वीक बना लेते हैं। तो कोर सिस्टम भी ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी है, तो थोड़ी बहुत कोर की ट्रेनिंग भी करा करो, और साथ साथ साइकिलिंग ट्रेडमिल वगैरह भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अपना मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, चॉकलेटी भाई हो गया भाई, आ जा सर, तू तरह की बातें बोल रहा तो भाई भाई अभी वर्कआउट कर रहा था, तो मैं चाह रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ तेरे को वर्कआउट कैसे करता। क्या वर्कआउट कैसे करता, मैं तुझे दिखा रहा हूँ। अच्छा चलो, तो अंदर दिखाऊंगा। क्या दिखाऊँ अंदर, क्या दिखाऊँ तुझे जाके? 200 kg डेड लिफ्ट मारूंगा मैं अंदर, क्या दिखाऊँ तुझे जाके? तू कितना गंदा है यार। तो गाइस वर्कआउट करते स्टार्ट। आज वो करेंगे फूड चैलेंज। कौन सा फूड करेंगे? आपको सबसे आपको खाना है स्ट्रीट फूड, और मैं खाऊंगा 5-star फूड। नहीं आज कुछ चैलेंज करेंगे, अभी वर्कआउट खत्म कर रहे थे फिर करेंगे, ठीक है? या तो आज पूरा दिन मैं खाऊंगा डाइट का और तू खाएगा बिना डाइट का। ऐसा क्या इसमें तो आपको फायदा है? फायदा क्या है मेरा? फायदा ही फायदा है, आप तो आपकी बॉडी बनेगी, मेरा पेट निकल जाएगा। चलो भाई वर्कआउट करता हूं। गाइस तो अपना वर्कआउट हो चुका खत्म, और अभी चल रही है अपने डाइट। हाँ भाई, अरे भाई वो हो रही है मक्खी बहुत ज्यादा। अरे सिस्टम अपना ही भाई, अरे रखूंगा ऐसा है। अरे गोल प्लेट है यार, ऑमलेट खाओ चीज, नीचे बैठ जाओ ना सिस्टर। कोई नु गया, लौंडी आ गई ना जिम में, नु गया भी यार। मेरी फेवरेट है यहाँ की, और तो ये सैंडविच वगैरह सब बेकार है। क्यों बेकार है भाई? हरी मिर्च डाल दी क्या? मना नहीं, धनिया है वो शायद। अरे भाई मैंने तो छोड़ दिया नॉन वेज खाना, मैंने तो छोड़ दिया। नॉट वेज,
अच्छा वेज है ये, कहाँ से आता है ये? शिट यार, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो मैं भी इसे खाना, सैंडविच को इससे तकड़ी नहीं है भाई। ब्रेड मत खाना, पूरा खाओ एक बार। बहुत चीज हमें पता है कितनी बुरी। चलो गाइस, हमने ले लिया कियांस की एम्बुलेंस। हैप्पी पहले किस कर, एक किस कर दे लिए खाना। ठीक है, ऐसे खोलते हैं। कैसे खुलती है? अच्छा यहाँ से खुलती है। लगी बहुत तेज, लग जल्दी निकाल इसको, खींचो पिन है इस पर, पिन देख के। वेरी नाइस, बढ़िया है। ओ बेटे, इसका तो गेट भी खुलता है। दिखाइयो, एक ही तो खुलता है भाई, तो थोड़ी खुलता है। चले हम घर चले। चलो भाई चलते सीधा घर। सो गाइस, जैसा आपको पता है हम बस बाहर बाहर खाते हैं, घर का नहीं खाते हैं। अबे छोड़ देने स्नैप, स्नैपर में कुछ नहीं रखा जेब में। जब देखो गलत काम स्नैप, तेरे स्नैप डिलीट कर दूं तेरे भी देखी। आहा मनू का क्या क्या मामला, देखो वही बर्गर तो दो ही है। अच्छा ये रहे, वेरी नाइस वेरी नाइस। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बढ़िया। तुम सुनाओ कैसे हो? बढ़िया भाई, भाई की शादी है एक हफ्ते। हाँ मत बेटा, अब मैं तुझे वायरल कर दूंगा। भाई की शादी पे हमें एक ब्रेसलेट और चेन गिफ्ट। अब मैं भाई ने दिया है मुझे ब्रेसलेट। अब तू देगा ना? आप देगा, शादी तेरी है। अब वैसे भी दावत भाई, शादी खुशी में ऐसी है। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं, टाइम देख लो 8:30। और अभी हम आए थे ऑफिस पे, सारे भाई ऑफिस पे आए हुए हैं और एक अपने खास भाई आए हुए हैं आज ऑफिस पे, उनसे मिलवाते हैं आपको। आ गए भाई, लो लो चीता भाई। अब बताओ कैसे हो? बढ़िया। मौज आ रही है? मौज आ रही है। चीता जी कहते हैं, चीता जी कहते हैं भैया। अब बोलिए बोलिए, अब कहते हैं चीता जी कहते हैं, चीता जी कहते हैं भाई। जादू भाई तुम बताओ, जादू कहते हैं भाई। आ सारे आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पहले बनाओ उससे, पहले हमारा ब्लॉग बनाओ। हम तुम, अरे पहले ब्लॉग वीडियो अपनी है, तुम नहीं बना रहे। भैया तो पहले तो भैया बना रहे हैं वैसे ही, तो नहीं के डाले पर ब्लॉग। पहले ब्लॉग करे चलो चलो बोलो। अनिकेत यादव चेयरमैन भाई पाजी तो विवेक यादव, विवेक यादव नाम है। चलो अनिकेत अनिकेत दिमाग अच्छा, सही हो डाइनो। हां चलो चलो तगड़ा करो भाई बात। विवेक भाई यादव चेयरमैन पे आदि तो जादू ही कहता है। सुने भाई यार, चीज नहीं कहता हमें आई डायलॉग तो जैसे छोड़ता है अपनी आई विद्यालय में क्या आज तक डालो ना अभी किसी के नितिन भाई अगर तुम कहते हो तो भाई एक डायलॉग और अपने चीता भाई की तरफ से। चीता भाई याद कर रहे हो? याद होगा, कर दूं। चलो भाई छोड़ दे, चार दिन बदमाशी तो तीड़ा जा दे रहो, चप्पल तो छोड़ यार, अंदर छोड़ तो भागे रहो। और आज लास्ट में जो क्या बात कहो, सुन चीता ही कह दे भाई, अभी जादू कह दे अभी। चलो नितिन भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। जब अभी अपने चीता भाई आए थे तो उसके बारे में हम करेंगे रात को बात। ला भाई मोती कटा अपना, बता ऊपर आ जाता है। हाँ अभी जाएगा, एक दिन तो ऑफिस में आ गया था। अरे अभी आप बुला तो ऐसे आ जाएगा, पता नहीं भाई देखना पड़ेगा। मोती आला जल्दी भाग के, जल्दी इसे रास्ते वहाँ से। भाई लेबराडोर बहुत समझदार ब्रीड होती है ऐसे। अभी कैसे आऊँ ऊपर? तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा, अपना डिनर टाइम चल रहा है भाइयों के साथ। चीता भाई आए थे अपने, चीता भाई ये सारे भाई बैठे हैं अपने ऑफिस में। चीता भाई को पका लिया आज हमने। तो भाई एक बार यहाँ से खाना वाना खा के फिर उसके बाद बैठेंगे। और गाड़ी अनलॉक मिलवा दो, सबसे मिलवा दो, गाड़ी अनलॉक होगी भैया। हाँ जी एक भैया
अरे हम सब मिलवा दो। अरे अरे भैया की ज्यादा डिमांड है भैया। हाँ पहले तुम कर दो एक बार। चीता कहते हैं तुम? शेर चीता में क्या कहना चाहोगे? शेर ही कहते हैं भैया। शेर चीता में क्या कहना चाहोगे? एक बार बता दो ना एक की आवाज क्या, कौन सी आवाज? तो भाई सारी बातें करेंगे रात को अपना, एक बार खाना वाना खा ले यहाँ पे भाई। मौसम हो रहा बहुत से काम पूरा निकल रहा है। देखो पूरा ना पूरा है हल्का सा भाई पूरा गोल निकल रहा है। इसके नीचे कमेंट करो इस चांद का मैं क्या करूँगा, मेरा चांद तो तुम हो। क्या दोबारा बोलिए? इस चांद का मैं क्या करूँगा, मेरा चांद तो तुम हो। नाइस। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया भाई, अपने व्लॉग में शेर भी आ गया, चीता भी आ गया और जादू भाई भी आ गए। तो भाई तीनों भाई आ चुके हैं अपने बढ़िया, जो जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और जिनकी पूछ है। बट भाई एक दिक्कत है जो कि आप लोगों को ही पता है और हमें भी पता है कि शेर और चीता भाई की लड़ाई हो चुकी है। तो ये वाला व्लॉग तो खैर मैं यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रात की कंट्रोवर्सी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए कल जब मैं नेक्स्ट व्लॉग अपना स्टार्ट करूँगा, फिर मैं स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, क्लियर आउट कर दूंगा आखिर क्या बात हुई है। क्योंकि अपने पास शेर भाई भी आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, और चीता भाई भी आए, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। तो दोनों की बात से हम आपको बताएंगे क्या बात हुई है क्या नहीं। जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे, बेस्ट करेंगे अपना कि शेर और चीता भाई दोनों को एक साथ कर दें। ठीक है, तो हम नहीं चाहते यार देखो किसी के बीच में खोट आए। ठीक है, तो हम तो ये चाहेंगे अपना भाईचारा कायम रहे, अपने दोनों भाई साथ काम करें, बढ़िया काम करें, क्योंकि जो पब्लिक है जो ऑडियंस है वो दोनों भाई को साथ देखना चाहती है। ये बात हमें भी पता है आपको भी पता है, और भाई दोनों ही बढ़िया है अपने मौज वाले बंदे हैं। तो कोशिश करेंगे कि दोनों भाई को साथ मिलाएं। और बाकी अपना 5 तारीख का चेयरमैन साहब का बर्थडे है, उसमें अपने इन्वाइट कर दिया है बढ़िया तरीके से। तो जो 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 भी होगा 5 तारीख को, तो भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ विवेक भैया के बर्थडे वाला व्लॉग जो है वो स्पेशल बता रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना, ज़रूर शेयर भी करना आगे भी। ठीक है, तो प्यार सपोर्ट बनाए रखोगा इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना। लव यू आप सभी को 100 के अपने सुपर शो। थैंक यू।